दो वक्त वक्त हो गए।
ये गल वक्री है कि निर्भव जपे सगल भव मिटे। जपन लई जपना बहुत जरूरी, पछाणना बहुत जरूरी, किसे नू की जपिए जिनू जान ले नहीं। ते जानन दा ही दूजा ना ज्ञान है, ज्ञान दी जरूरत है, ताकि जिनू जपना है ओनू जान सके। ज्ञान दी होर कोई परिभाषा नहीं, मतलब भी कोई, मकसद भी कोई नहीं। जे ज्ञान तो ज्ञान दिया गल्ला करन नाल भी मनुख नूं जिस नूं जपना है ओह जापे ना, समझ ना पवे। उन्हें बाणी विच आखिया ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, ज्ञान दी गल्लां हर कोई करदा है, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, पर है कि बंधन बांधिया सब जग भवै। कहन लगे ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हे मन ज्ञान दी भी परिभाषा वेख समझ लै, कितने ऐसा ना हो बे ज्ञान दे नाम थले अज्ञान ही रोता रहे। गल्ला ज्ञान दिया करें पर जिन्हों जानन ले ज्ञान दी लोड़ है वो जान ना सके। कहने लगे ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर साचे के पर्याय। उस ज्ञान का फायदा है जेड़ा तेनू रब नाल जोड़ दे, जेड़ा तेनू रब की प्रभु की पछाण दस दे। क्यों सब तो वड्डी पछाण यह है कि वह निर्भव है। लै सब तो वड्डी पछाण की है, वह निर्भव है। सगल समग्री डरै व्यापी, डर का मतलब भौ डर। जिन्नी संसार की सृष्टि की कोई भी वस्तु है, जिन्नी भी उत्पत्ति है, सारी किसी ना किसी डर विच है। बिन डर करने हारा, सृष्टि नूं बनाने वाला जो डर है वो डर विच नहीं। उहदी निशानी सब तो वड्डी, आपां श्री आसा जी दी वार दा चौथा श्लोक पढ़ने, भैविच पौने वह सदवाओ, भैविच चले लख दरियाओ, भैविच अगन कढ़े विगार, भैविच धरती दुबी भार, भैविच इंद फिरे सरभार, भैविच राजा धर्म द्वार। सगलिया पाओ भैविच सूरज, भैविच चंद, को करोड़ी चलत नांत, भैविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भैविच आडाने आकाश, जोध महाबरसूर, भाव भैव च आवे जावे पूर। फिर अगे की कहने सगलिया भाव एक कोई लेख ऐसा है जो सारिया के मथे ते है, नहीं तो हर एक लेख वखरे वखरे ने। दो सके भरा ने, एक माता पिता दे जाए, बहुत मस्तक का लेख एक नहीं, बल्कि धर्म की परमार्थ की दुनिया में भी सफलता असफलता लई मथे दे लेख की लोड़ गुरु नानक ने बाणी विचार दी।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਰਲਾਏ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰੇ ਵਿਆਪੀ ਬਿਨ ਡਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮਾਣਤ ਆਣ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ ਗੁਰਪਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਿਦੜਾ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਲ ਗ੍ਰਾਸ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਫੜੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ
जंगल में रहने वाले मिर्ग ने कभी दावा नहीं किया भी मैनू ज्ञान ज्यादा है। किसी आकाश से उडारियां लगाने वाले पंछी ने कभी दावा नहीं किया मैनू ज्ञान ज्यादा है। मनुख ने किताबा लिख दी ज्ञान दियां। जिन्ना ज्ञान का दावा मनुख करता है ना, दुनिया का कोई और जीव नहीं करता। पता नहीं यो कारण है, जिन्हें ज्ञान का दावा ज्यादा करते हैं वो रब तो दूर होंगे रहेंगे। गुरबाणी ने यो गल मनी, रब तो दूर ने उंगल नहीं ना फटते, ज्ञानवान ने। ज्ञानवान को किसी के सहारे की लोड़ है। हम तो यह अभिमान है कि मेरे को ज्ञान गुरबाणी की एक तो कही सरोवर पंखी है कड़ो, सरोवर देखें देख इकल्ला पंछी बैठा है। हम पंखी ने कोई अपने रहायश लिए किले तो सारे नहीं हुए, दरखत की किसी टाणी से आलना पा के बैठा। तू अपने लिए घर बनाए, घर जे तेरी थोड़ी जी भी सरदा फिरदा हो जेब अलाउ कर दी हो तू मजबूत तो मजबूत कर किले वर्गे काबू साध ने। क्यों? क्योंकि तेन डर है, तेन डर है। पंछी को डर कोई नहीं है, कि अजीब गल है। ज्ञान तेरे को है, डर तेनू है, पंछी नहीं डरता। कखा दे आलने विच बैठा उथे देखो खिड़कू नहीं लगा हुआ है। ये नहीं कि पंछी का दुश्मन कोई नहीं, सोचने वाली गल है। ये नहीं कि पंछी का दुश्मन कोई नहीं, गुरु ने बाणी बचा दिता कह लगे सरोवर पंखी है कड़ो। सरोवर कला पंखी साही वाल पचास, दुश्मन एक नहीं दो नहीं पजा पंखी कला पर ओ ज्ञान का मुजस्मा अखवान वाला मनुख जेड़ा कहिंदा ज्ञान मेरे को है, उंदे विच ते उस पंछी विच किन्ना फर्क है। ओए कल लै उंदे तो हर तेरे दुश्मनी दुश्मन ने आई बाल पचास, अपनी अपनी शिस्त लगा के बैठे ने, अपने अपने जाल पसार के बैठे ने। पर केड़ी अजीब गल है, उन्हें एक लफ्ज कहे ने अगली लाइन पर। वो कहता मैं डरदा क्यों, मैं कदे कोई उपराला ही नहीं किया भी मैं भी अपने लिए कोई घर बना लवा ते मजबूत घर बना लवा जिथे ये फारी बार मेरा कुछ ना हो कर सकन। कभी सोचे कारण किसी ने राय दी हो पंछी भी तू अपने बचाओ का अपनी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं करता। जरा ज्ञानवान मनुख है वह करता है, तू कोई नहीं करता। तो जवाब बड़ा खूबसूरत है अगली लाइन में कह आस है बस। वो देखो है ना
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕਰੋ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹਉ ਤੁਧ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਰਖਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਆਂਢ ਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ,
मेरा देश लुटा जाएगा। दो ही कारण, जा डर तो मुल्क फौज रखता है ते जा डराउन लई फौज रखता है। हुण केडी अजीब गल, रब तां साडा करदा तां गुरमुख दा तां ए फैसला कि आप ना डरो ना अवर डराओ, पै कहूं को देते रहे न पैमान आन। अकाल पुरख ना किसे को डरदा है ना वो किसे नु डराउना चाहंदा है, उनु फौज दी क्यों लोड़ पैगी? मसला इस अकाल पुरख किसे को डरदा नहीं। एक अनुभव बात सुन, ते अकाल पुरख किसे नु डराउंदा भी नहीं, बल्कि ना चाहते हो। मैं एक गल संत कहना चाहते, ये सारा कभी सारी कविता सारी ये जी लिखत है पढ़ो ना, नेड़े होकर बड़े ध्यान नाल पढ़ो तो नजर आता है कि बिल्कुल ही गुरमत तो उमा दूर है। कभी बैठ के विचार असि बड़े ध्यान नाल सुन जाते, बड़े खुश होने जो कोई पढ़ता है, खालसा मेरे रूप है खास के मैं करोने बाद ये हो ही रचना। जो ये कुछ पढ़ता है ना असि बड़े खुश होने, मतलब गुरु गोबिंद सिंह साहब खालसे नूं इष्ट मनदे ने, फिर होर इष्ट ना होया ना। खालसा मेरे सतगुरु पूरा, इहदा मतलब गुरु गोबिंद सिंह साहब किसी होर नूं गुरु भी नहीं मनदे। सारा कुछ पढ़े गुरमत, बिल्कुल गुरमत विरोधी। ते उस विच अगे जा के ये लफज कहते ने खालसा अकाल पुरख की फौज। ये तो अकाल पुरख ते एक इल्जाम है, इहदा मतलब अकाल पुरख जा किसी नूं डराउणा चाहुंदा है। जे डरदा ना वो डरदा है ना वो डराउंदा है, इसलिए बिल्कुल अकाल पुरख नूं किसे फौज दी लोड़ नहीं। फौज दी रखवाली दी सिक्योरिटी दी सानू लोड़ है, ते उन्हां लोगां नूं ज्यादा लोड़ है जेडे रब नालों गुरु नालों प्रभु नालों विछड़े हुए ने। मैं अर्ज कीती सी जंगलां विच बैठे ने मिर्ग झाड़ियां विच, उन्हां दी सिक्योरिटी कौन करदा है? जिंदी आस है उन्होंने, मनुख की आस कोई नहीं, ना उन्होंने घर की महल्ला की आस है, ना उन्होंने दरवाजे के पहरेदार रखे हुए ने, उन्हें कोई ज्ञान भी कोई नहीं। असी कहने उन्होंने ज्ञान नहीं, पर हुण जिन्होंने ज्ञान नहीं वह तो यह गल कह रहे हैं, गुरबाणी कह रही उन्होंने लफज गुरबाणी पेश कर रही गुरु कहते हैं। जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। ज्ञान मन कौन हो, ज्ञान की लोड़ क्यों है? दुकान ते हो मनुख अपने आप विच हों विच आ गया है कि ज्ञान मेरे कोल है। उनका नतीजा निकलिया है कि इन्हें किताबों ज्ञान दियाँ लिख दित्तियाँ, पंडितियाँ दिन रात ज्ञान दियाँ गल्लां, इन्हें इन्हें स्थान बना लाए उत्थे दिन रात ज्ञान दियाँ गल्लां करदा रहा, पर ज्ञान आया ना। हालांकि गुरु ने आवाज दित्ती ते कहन लगे ऐसा ज्ञान कथो मन मेरे
और वो चाकर साचे कहते कह लगे ज्ञान तो उसनू कहते ने जेड़ा मालिक नाल जोड़ दे वे, मालिक दी होंद कबूल करा दे वे, मालिक दी पछाण पैदा कर दे वे, जेड़ा मालिक तो ही मुनकर कर दे वे, क्या दा ज्ञान है। गुरु ए यकीन दिवाना चाहते कहते ने इस गल लई तैनू जरूरी है क्योंकि सब तो नेड़े दा मसला जेड़ा वो है भय दा, सब तो नेड़े दा मसला क्योंकि वो तेरे नाल हड बीती है, तू हर कदम ते अपना भय मिटाना चाहना। जे डर है तो तेनू भावे मौत दा आखिर डर है, केड़ी अजीब गल है। जे तू दवाइया पैदा कीतिया ने, जे तू डॉक्टर पैदा किए ने, जे तू मेडिसिन बनाए, सब कुछ उन्हें पिछे एक डर खड़ोता है कि मैं बीमार ना हो जावा। जे तू फिल्टर करके पानी पीना तो इस ख्याल कि बीमार ना हो जावा। बड़ी अजीब गल है, पंछी जानवर छप्पड़ा तो पानी पी जाते हैं, उन्होंने तो डर नहीं आता कि बीमार ना हो जाइए। छप्पड़ा तो पानी पीते और बुजुर्गों को पता होगा असी तुसी भी अपना जीवन का आरंभ उतो ही शुरू किया। नहर नहर सफर करना, जिते प्यास लगनी साइकिल खड़ा करना, साइकिल से नहर तो पानी पी लेना। उस नहर विच की है, कितों आ रहा, कोई मसला नहीं पुछना। और हम नालों लोग तंदुरुस्त सन, उनका कारण सिर्फ ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी जी साबित कर दी है कि मनुख ज्यों ज्यों ज्ञानवान होया है त्यों त्यों उस ज्ञान नूं उन्हें अपनी शक्ति समझिया, ते नतीजा यह होया है कि मैं अपना बचाव आप करना है जां फिर उस तो बाद एप्लीकेशन देनी है सरकार नूं, साडे महल्ले का पानी साफ करो, साडे महल्ले का पानी। आओ पिछले दिन मैं बोलते हैं गल कह रहा सी कि केड़ी अजीब गल है, धरती के थले पता नहीं किन्निया सदियां बीत गई ने खड़ोता है पर बया नहीं होया, पुराना नहीं होया। जिस दिन तेरे हाथ लग गए तू उन्हें भर के मटके च रख लिया, जग विच रख लिया, दो चार दिन छे दिन बाद तेरा पानी पीन नू चित नहीं करना, पुराना नवा ताजा पानी भरो। चार दिन में ताजा नहीं रहा क्योंकि तेरे हाथ लग गए, पर धरती के थले पानी देने वाले नू कदे उन्हूं आखना भी तू ये पानी पुराना क्यों पीता है, ना वो पुराना हुंदा है आप ते ना उनका पीता होया पुराना हुंदा है। सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे, इसलिए भरिया तेनू एक ख्याल होवे कि ज्ञान का मतलब है प्रभु नाल जुड़ना, ज्ञान का मतलब है प्रभु ते अपने आप नूं निर्भर करना, उनकी आस भरोसे विश्वास विच रखना, तुमनी योग तुम्हारी आसा। एक गल श्री गुरु ग्रंथ साहब समझा रहे ने कि तू श्री गुरु ग्रंथ साहब नालों वखरा कोई ज्ञान लेना चाहना है, जिहड़ा ज्ञान तू समझ रहा है मेरे कोल है। आ ज्ञान का टिकाणा है श्री गुरु ग्रंथ साहब, आप रोज पढ़ रहे हैं, कुंभे बद्धा रहे जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। ते ओ ज्ञान है प्रभु ते विश्वास करना, प्रभु ते आस करना, अजे नहीं तो पढ़ के देख ले, तेनू अपनी सिक्योरिटी दी, तेनू उन्हां रोगों तो बचन दी, तेनू उन्हां उस मौत तो बचन ले भी अडंबर होर करने पैंदे ने, तद भी तेनू रात पर चैन दी नींद नहीं आउंदी। ते ओ जंगलां विच रहण वाले मिर्ग, ओ आकाश दीआं उडारियां लगाण वाले दरख्तां दीआं टाहणियां ते अल ना पा के बैठे होए ओ पंछी, क्योंकि एक प्रभु दी आस ते ने, एक प्रभु दी आस ते ने, उन्हां दे हिरदे विच कोई तोखला नहीं, कोई फिकर, कोई चिंता नहीं। गुरु नानक ने एवं नहीं आख्या चिंता छड्ड अचिंत रहो। जिस दिन तू प्रभु ते आप
अपने आप ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਾਣ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਣੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੱਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਕੱਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ
उस संसार तों चले गए। पर जिन्हां ने आपा रब नूं प्रभु नूं सौंपिया, आपा मिटा दिता, भाव आपा मिटा दिता हो कुछ नहीं, एक ते वो ही ते ओ निर्भव है। उनका नतीजा निकलिया जो आप मिटद ना हों जाती है उदो दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं। गुरबाणी अंदर एक थाते ने बड़ी थाते सतगुरु ने एक गल समझाई, कह लगे ना को मेरा दुश्मन रहा नाम किसके बैराई, ब्रह्म सार पसारे पीतर सतगुर के सोजी पाई, सबको मीत हम अपन किन्ना हम सपना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरी राजन। चंगे कर्मा चंगी विचारधारा प्यार भरी विचारधारा दुनिया नाल भरे समय अंदर ते भले विचारा नाल पेश आउन नाल दुश्मन भी मित्र हो जाते ने। जदों विचार आउन वाले होन उदों अपने बहुत नेड़े दे मित्र भी दूर हो जाते हैं। सो गुरु चंगे गुणा नाल जीवन दा एक तरकीब तरीका दसदे ने, कहंदे ने जिहड़े इहो जे ने उह प्रभु दी आस ते रहिंदे ने, क्योंकि प्रभु मेरे गुण वाला है, उहदे च औगुण है ने। बल्कि मैं तां हैरान होया जदों मेरे सामने भाई गुरदास जी दी तुक आई कि गुरु ने उहने कहा कि जदों गए ते रब कोलों जाके मंगिया कि नाम नहीं लेना मंगया, उन्होंने नाम गरीबी पाई, कह लगे नाल निम्रता भी देगी मैनू अपने ज्ञान ते अपनी हों ते अभिमान ना होवे, हंकार ना होवे। बाबा पैदा सचखंड, भाई गुरदास जी कहते हैं बाबा पैदा सचखंड उन्होंने दे नाम गरीबी पाई, कह लगे मैनू निम्रता दे, मैनू कभी ये हो ना आवे कि मैं ज्ञानवान। इसलिए गुरु नानक को जब पूछा ना उन्हें यो गल आखी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसा तेरी ज्ञान मिला लो, मैं तो जो ज्ञान तुहानू दे रहा ना वो मेरा नहीं जे, मेरा नहीं जे, ये होमे ये हंकार ज्ञान दा जिहड़ा है ये भी मनुख ने गुमराह कर दिंदा है। गुरु बख्शिश करे असी अपना हों छड के संसार अंदर गुणा दा प्रभु दा वासला लैके विचरीए ताकि साडा कोई दुश्मन रहे ही ना, सानू सिक्योरिटी की लोड़ ही ना पवे। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जाचे कर फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।